Hi, this is Sana Khan and you're watching Exposed India. एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और उनके मान सम्मान और स्वास्थ्य के लिए नई योजनाएं लाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इन योजनाओं की जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट नजर आती है। सरकार योजनाएं तो बना देती है किंतु उनका फायदा आम जनता को हो रहा है या नहीं इसकी कोई खबर नहीं लेती। ऐसी एक योजना महिलाओं के उत्थान के लिए 181 महिला ज्योति आशा लाइन के नाम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में चलाई है। हालांकि ये योजना कब आई, इसके माध्यम से महिलाएं कैसे लाभ ले सकती हैं, इस संबंध में महिलाओं को कोई जानकारी ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक मामला फिरोजाबाद के विकास भवन का है, जहां ये चमचमाती वैन सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। इस वैन के फ्रंट शीशे पर पोस्टर लगा है जिस पर रीता बहुगुणा जोशी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है। जब हमने इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि 181 महिला ज्योति आशा लाइन योजना 181 टोल फ्री नंबर है जिस पर कोई भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला कॉल कर सकती है। सूचना मिलते ही पीड़िता को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा टोल फ्री नंबर है जो महिला हेल्पलाइन है, और कोई भी महिला अगर उत्पीड़न का शिकार होती है और उस पर तुरंत सूचना करेगी, जिससे हमारी जो है महिला जो वाहन है वो महिलाओं के साथ पुरुष के साथ जाएगी और उसकी हेल्प करेगी, इसके लिए रखा गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए 24 घंटे सातों दिन सेवा उपलब्ध कराना है और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करना है। मगर जब महिलाओं को इस योजना के बारे में पता ही नहीं तो इसका लाभ कैसे मिलेगा? कोई भी सरकार योजना तब तोड़ देती है जब उसके लिए पूरी तरह से जागरूकता नहीं फैलाई जाती। ऐसा ही कुछ 181 हेल्पलाइन सेवा में भी देखने को मिला। फिरोजाबाद से एक्सपोज इंडिया के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ शालिनी मौर्य की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।